Chief Seattle gives a warning to the white peoples. Be fair and kindly with my people. हम लोग के मर जाने के तो यार चीफ सेटलर स्पीच के तो नोट्स हम प्रोवाइड करने ही वाले हैं एंड इस वीडियो को एंड तक देखना जो तुम्हारे इशानी दीने लास्ट तक क्वेश्चंस बैंक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी दे देगा ठीक है। बट यार इसके पहले हम थोड़ा बात करेंगे क्रैश कोर्स फॉर एनटीएससी। तो आप जानते हो कि अन अकेडमी ने 3 क्रैश कोर्सेस लॉन्च किया है एनटीएससी फॉर एंड फाउंडेशन फॉर क्लास 9 एंड फाउंडेशन फॉर क्लास 10। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। So, दो बातें यार बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस कोर्स। ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स है अगर तुम एनटीएससी के स्टूडेंट हो ऑन दैट केस यू कैन गो फॉर इट। इफ यू आर क्लास 9 स्टूडेंट यू कैन आल्सो गो फॉर इट एंड इफ यू आर क्लास 10 स्टूडेंट फाउंडेशन स्टूडेंट्स तुम इसके लिए यार जा सकते हो ठीक है। मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। फॉर बोथ क्लास 9 एंड 10 इसके लिए तुमको यार एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा of an academy plus which is very good and india's most trusted educational brand as you know so you can just go for it so yahi tha and iske liye for more information just go to the description and abhi chief settler speech ke pure video ko dekhna for full each and everything part 1 bhi dekh lena yaar wo bhi diya gaya hai niche description box ke andar link udhar bhi tumko mil jayega। तो वहीं पे चीफ सेटल क्वेश्चन कर रहे हैं बट कैन डेट एवर बी जो मैंने बोला आप वो एक्सेप्ट करके मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे क्या ऐसा होगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं योर गॉड इज नॉट अवर गॉड। गॉड यहाँ पर रिफर कर रहा है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन था? फ्रैंकलिन ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लव योर पीपल हेट्स माइन। कौन? प्रेसिडेंट। दिस गॉड योर गॉड लव योर पीपल यानी कि लव योर पीपल किसको? व्हाइट सेटलर्स व्हाइट पीपल को हेट्स माइन रेड इंडियंस। ओके ही फोर्स इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स लविंगली अबाउट द पेल फेस ओनली। पेल फेस बोले तो व्हाइट सेटलर्स ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग आर्म प्रोटेक्ट करने के लिए किसको करता है? जो प्रेसिडेंट। देखो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है चीफ सेटलर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ करता है गॉड यानी कि प्रेसिडेंट वो अपने पेल फेस जो व्हाइट सेटलर्स है उनके लिए करता है, रेड इंडियंस के लिए कुछ नहीं करता। रेड इंडियंस उनके लिए एक तरह से ऑर्फेनेज ऑर्फेन की जैसे मतलब एक पड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं करेगा ठीक है। सो ही हैज फॉरसेकन हिज रेड इंडियंस लेफ्ट कम्प्लीटली उनको एकदम छोड़ देता है। योर पीपल बिकम वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे एंड कैप्चरिंग द इंटायर लैंड डे बाई डे यानी कि योर पीपल बिकम वैक्स मतलब तुम्हारा जो पीपल है। चीफ सेटलर बोल रहे हैं कि योर पीपल यानी कि प्रेसिडेंट जो व्हाइट सेटलर्स है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहा है और कैप्चर कर रहा है लैंड। और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं देखो व्हाइट पीपल का जो ट्राइब है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और रेड इंडियंस का जो ट्राइब है टेरिटरी है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। बट कैन दैट एवर बी? उसके बाद फिर बोल रहे हैं वही सब जैसे मैंने बताया। फिर इसके बाद बोल रहे हैं योर गॉड इज नॉट अवर गॉड। तो उसके अंदर मैंने पॉइंट्स दिखाए आपको क्या क्या बोल रहे हैं चीफ सेटर। उसके बाद बोलते हैं कि व्हाइट मैन गॉड कैन नॉट लव अवर पीपल और प्रोटेक्ट देम। तो जो व्हाइट मैन पीपल का जो गॉड है ना मतलब जो प्रेसिडेंट है वो हमें कभी प्यार नहीं कर सकता ना ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता। तो उसके लिए रेड पीपल जो है ना दे सीम टू बी ऑर्फेन उसके लिए एक अनाथ बच्चे की तरह वो उन्हें ट्रीट करता है। कौन? जो प्रेसिडेंट है जो व्हाइट पीपल का जो है गॉड है वही। So, how then can we be brothers? तो ये सब इतना partiality दिखाता है भाई हम दोनों के बीच तो कैसे हम दोनों एक दूसरे के भाई भाई हो सकते हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि चीफ सेटल योर गॉड इज नेवर गोइंग टू बी एबल टू रिटर्न अवर प्रॉस्पेरिटी टू अस। जो हमारा जो जितना भी क्या बोल सकते हैं ग्लोरी था वो सब चीज हमें कभी वापस नहीं कर सकता ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेड इंडियंस अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। सो ही इज रेड इंडियंस हुज टीमिंग मल्टीट्यूड्स वंस फिल्ड हिज वास्ट कॉन्टिनेंट एज द स्टार्स फिल्स द फिरमामेंट। ओके देखो मैंने बोलने में कभी कभी अटक जाती हूँ प्लीज डोंट माइंड ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं टीमिंग मल्टीट्यूड्स बोले तो यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर इन वन प्लेस ये लार्ज नंबर बोल सकते हो ठीक है। बोल रहे हैं रेड इंडियंस को यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वंस फिल्ड हिज वास्ट कॉन्टिनेंट एज स्टार्स फिल द फिरमानेंट जहाँ पे इसको रिफर मतलब बताया जा रहा है कि एक तरह से स्काई को ठीक है। जैसे स्काई में पूरा स्टार्स भरे हुए रहते हैं उसी तरह रेड इंडियंस भी एक टाइम पे पूरा मतलब टेरिटरी उसका बहुत ज्यादा बड़ा था। पारा 5 तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो व्हाइट पीपल और जो रेड इंडियंस है कैसे कैसे वो दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है टोटली अपोजिट है विथ रेस्पेक्ट टू द रिलीजन एंड विथ रेस्पेक्ट टू द फीलिंग्स ऑफ अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द एंसेस्टर्स। ओके
सो बेसिकली यहाँ पे रेड इंडियंस से स्टार्ट करते हैं, तो रेड इंडियंस ट्राइब से चीफ सेटल बिलोंग करते थे, वही बता देते नेटिव अमेरिकन, वहीं पे रेड इंडियंस को बताया जा रहा है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन अमेरिका में रहने वाले पहले के पीपल वो रेड इंडियंस थे, ये लोग बाद में आके बस गए थे, तो यहाँ पे चीफ सेटल बोलते हैं। फॉर द नेटिव अमेरिकन, फॉर द रेड इंडियंस, द एशेस ऑफ देयर एंसेस्टर्स आर सेक्रेट, बहुत ज्यादा होली है, उनको बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वहीं पे बोलते हैं व्हाइट पीपल, देयर नेटिव लैंड इज अ प्लेस वेयर देयर एंसेस्टर्स हैड बरीड, बट दे have no pain, no regret at leaving their place behind and coming to a new place. उनको कोई कोई दुख है ही नहीं, कोई regretness है नहीं कि हम लोग अपना जो जहाँ पे अपने ancestors को जला के आए हैं वो place को हम छोड़ने वाले हैं और दूसरे place में shift होने वाले हैं, इस बात का उनको कहीं पे भी कोई भी दुख नहीं है। अब वहीं दूसरे point में Chief Settle बोलते हैं कि our religion is the tradition of our ancestors. Our religions are written in our hearts and we love our ancestors. And there is a feeling of great respect for our ancestors. तो हमारे ancestors को कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, हम उनको भूल नहीं जाते, उनका जो क्या बोल सकते हैं यार, उनका जो भी चीज है ना, मतलब उनको हम अपने हार्ट में बसा के रखते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट पीपल के बारे में बता रहे हैं चीफ सेटल कि योर रिलीजन वॉज रिटन अपॉन होली टैबलेट्स ऑफ स्टोन बाय आयरन फिंगर ऑफ गॉड। समटाइम्स हम क्रिश्चियन या किसमें देखते हैं कि वो लोग होली टैबलेट्स में ऐसा मतलब नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है ताकि हम उसको भूल ना जाए। देखो यहाँ पे किसी भी रिलीजन को मेरा हार्म करने का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, सभी रिलीजन अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा चीफ सेटल बता रहे हैं कि वो लोग होली टैबलेट्स में लिख देते हैं ताकि वो लोग अपने जो एंसेस्टर्स उसको भूल ना जाए, बट हमें उस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर का नाम है, हमारे जो एंसेस्टर का जो प्यार है उसे हम अपने हार्ट में रखते हैं, तो हम उसको ऐसे भी नहीं भूल सकते, और तुम लोग होली टैबलेट्स में लिखते हो ताकि तुम लोग भूल ना पाओ। पारा 6, यहाँ पे चीफ सेटल बोलते हैं रेड इंडियंस के बारे में कि आवर डेड नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट गिव देम बीइंग, दे स्टिल लव इट्स वर्ड एंड verdant valleys, its murmuring rivers, its magnificent mountains. फिर वहीं पे बोलते हैं sequestered valleys, verdant lined lakes and bays, and ever yearn in tender fond affection upon the lonely hearted living. तो ये सब चीज को वो अभी भी प्यार करते हैं जो कि मर चुके हैं, ठीक है। तो इस मतलब ये सारी चीज तो एक तरह से नेचर का ही नेचर में ही आते हैं ना ये सारी चीज, तो एक तरह से वो बोल सकते हो कि जो उसके एंसेस्टर्स हैं वो नेचर को मरने के बाद भी प्यार करते हैं। उसी दूसरी ओर चीफ सेटर बोलते हैं कि व्हाइट पीपल का जो है ना, योर डेड सीज टू लव यू एंड द लैंड ऑफ देयर नेटिविटी एज सून एज दे पास द पोर्टल ऑफ द टॉम्ब एंड वंडर अवे बियॉन्ड द स्टार्स, दे आर सून फॉरगेटन एंड नेवर रिटर्न। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही एंसेस्टर्स व्हाइट पीपल का मर जाता है ना, जैसे ही उसको टॉम्ब में जैसे उसको दफना दिया जाता है, उसको मतलब दफना दिया जाता है ऑब्वियसली, जब दफना दिया जाता है वो जैसे ही एक स्टार्स की ओर बढ़ चलते हैं, वैसे ही वो जो व्हाइट पीपल है ना, ये वो एंसेस्टर्स को मतलब भूल जाते हैं। सो ये एंसेस्टर्स एकदम से मतलब कनेक्शन कट जाता है, दे आर सून फॉरगेटन एंड नेवर रिटर्न्स, तो ये लोग एकदम चल जाते हैं। बट ये लोग जो है ना, जिसके जो रेड इंडियंस के जो एंसेस्टर्स हैं, सॉरी यार, हाँ, तो रेड इंडियंस के जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो अभी भी मतलब मरने के बाद भी ये सब जो नेचर है उसको प्यार करते हैं और उसके साथ रहते हैं। देन चीफ सेटल बोलते हैं, आवर एंसेस्टर्स कम टू अस, दे विजिट अस टू गाइड अस, टू कंसोल अस एंड टू कम्फर्ट अस, बट वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, मरे हुए एंसेस्टर्स हैं, वो हमारे पास आते हैं और हमें एक तरह से गाइड करते हैं। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाइट पीपल के लिए दैट योर डेड एंसेस्टर्स वंडर अवे बियॉन्ड स्टार्स, मरने के बाद वो एकदम से चल जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। सो अब यहाँ पे 7 में, यहाँ पे 12:7 में जैसे बोल रहे हैं, डे एंड नाइट कैन नॉट ड्वेल टुगेदर, डे एंड नाइट कैन नॉट ड्वेल टुगेदर, उसी तरह यहाँ पे मतलब एक तरह से बताया जा रहा है कि जो रेड इंडियंस है और जो व्हाइट पीपल है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ओके। सो डे एंड नाइट वहां पे ऐसा कंपेयर किया जा रहा है कि डे एंड नाइट कैन नॉट ड्वेल टुगेदर, उसी तरह जो रेड इंडियंस और व्हाइट इंडियंस है वो भी एक साथ कभी रह नहीं सकते, जो कि एकदम टोटली डिफरेंट है, ओके। उसके बाद यहीं पे बोल रहे हैं कि द रेड मैन हैज एवर फ्लेड द अप्रोच ऑफ व्हाइट मैन, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एज द मॉर्निंग मिस्ट फ्लीज बिफोर द मॉर्निंग सन, जैसे एक मॉर्निंग मिस्ट, जैसे कि मैंने लिख रखा है, देखो मॉर्निंग मिस्ट कैन नॉट स्टैंड बिफोर द मॉर्निंग सन, ये एक फैक्ट है, ओके।
उसके बाद बोल रहे however your propositions seems fair and I think that my people will accept it and I will retire to the reservation you offer them. तो कहीं ना कहीं ये जो तुमने जो ये proposal रखा है ये मेरे को और मेरे जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं fair लगा है, अच्छा लगा है कि हमें ये जो proposal है उसे accept कर लेना चाहिए, ऐसा हम लोग को आ रहा है भावना. ओके उससे क्या होगा, then we will dwell apart in peace. तब हम लोग जाके बाद में जो जो लैंड बचेगा तो उसमें हम लोग शांति से रह पाएंगे. पीस गर्ल बट इन पीस द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट व्हाइट चीफ सीम टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माय पीपल आउट ऑफ दिस डार्कनेस. फर्स्ट पैरा में ही बोले थे कि जो नेचर है एक तरह का हमें हमेशा सिग्नल देता है, तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चीफ ग्रेट चीफ व्हाइट चीफ का जो ग्रेट व्हाइट चीफ जो है उनका जो वर्ड्स है मतलब एक तरह से मेरे को लग रहा है कि वर्ड्स ऑफ नेचर है, मतलब एक तरह से ये जो बोल रहे हैं वो सीम्स टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माय पीपल आउट ऑफ डेंस डार्कनेस. ओके पारा 8 चीफ सेटल यहाँ पे बोलते हैं हेट मैटर्स लिटिल वे वी पास द रिमेनेंट ऑफ आवर डेज. तो अब ये उतना मैटर नहीं करता कि हम लोग जो बचे हुए दिन है जो कम बचे हुए दिन है वो हम कहाँ पे गुजारे, ये उतना मैटर नहीं करता, हम कहीं भी गुजार सकते हैं क्योंकि हमारी ट्राइब अब उतनी बड़ी रही नहीं है. ठीक है, फॉर रेडिंग इज देयर नाइट आर गोइंग टू सी कम्प्लीटली डार्क. उनके लिए जो अब नाइट है जो दिन जा रहा है एकदम कम्प्लीटली डार्क है, कोई एक तरह से होप उनको दिखाई नहीं दे रहा है. देयर इज नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप हावर्स Above his horizon, Greenfield seems to be on Red Man's trail. मतलब जो Greenfield बोल सकते हैं कि जो bad luck है, जो severe bad luck है, वो हमेशा उनके साथ रहता है. Red tribe के, Red Indian tribe के साथ ही रहता है. कहीं भी वो जाते हैं, bad luck हमेशा उनके साथ रहता है. ठीक है. Last line में देखो, दिया हुआ है कि prepare solidly to meet his doom as does the. हाँ देखो यहाँ पे देखो, पहले ही मैंने लिख रखा है doom मतलब death. ठीक है. Wounded मतलब injured and doom मतलब dear. ठीक है. एक जैसे कोई भी एक हंटर है वो जब डियर के पास जाता है उसको दूर से मार देता है, एक जैसे बाण मार देता है उसको घायल कर देता है एंड तो वो डियर छटपटाने लगता है. अब उसके पास कोई होप नहीं है, कोई चारा नहीं है. ठीक है. और वो धीरे धीरे हंटर उसके पास आ रहा है. वैसा ही एक सीन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं रेड इंडियंस के साथ है. ठीक है. तो एक तरह से उसको क्या बोल रहे हैं मतलब कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है. रेड इंडियंस कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. पारा 9 में बेसिकली चीफ सेटल बता रहे हैं कि सबका एक कॉमन डेस्टिनी है. ठीक है. कॉमन डेस्टिनी तो बोल रहे हैं कि ए फ्यू मोर डेज अ फ्यू मोर विंटर्स. मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बोला जा रहा है कि कुछ और दिन, कुछ और मंथ, कुछ और ईयर्स. ठीक है. ए फ्यू मोर डेज अ फ्यू मोर विंटर्स एंड नो नॉट वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द माइटी होस्ट दैट वंस मूव्ड ओवर दिस ब्रॉड लैंड और लिव्ड इन अ हैप्पी होम्स प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट स्पिरिट विल रिमेन टू मॉर्न ओवर द ग्रेस ऑफ अ पीपल वंस मोर पावरफुल एंड होपफुल देन योर्स. बोल रहे हैं कि आज जो है आज मतलब क्या बोल रहे हैं आज ए फ्यू मोर डेज कुछ और दिन कुछ और मंथ्स. ठीक है. उसके बाद जो एंसेस्टर्स हैं जो चीफ सेटल के पीपल के जो ट्राइब है वो मतलब क्या बोल सकते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. ठीक है. तो उसके बाद जो ये हैप्पी होम जो ये मतलब जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं वो ये सबको बहुत मिस करेंगे. विल रिमेन टू मॉर्न ओवर द ग्रेव्स ओके ऑफ द पीपल वंस मोर पावरफुल एंड बट जो हमारा जो ट्राइब का जो एंसेस्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं पावरफुल है और होपफुल है तुम्हारे ट्राइब से. ठीक है. तो जैसे कि चीफ सेटल बोल चुके हैं कि हमारे जो बैड लक है ना वो हमारे साथ ही रहता है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस पे. तो जिस लैंड इस लैंड की जो बेटी बेटियां हैं जो बच्चे हैं वो भी इस जो हमारे जो ये लैंड है जो जो घर है वो ये सब वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे. वहीं पे दूसरी ओर चीफ सेटल बोलते हैं बट वाई शुड आई मॉर्न एट द अल्टीमेटली फेट ऑफ माई पीपल. मैं अपने लोगों के बैड लक से क्यों इतना दुखी हूँ. मैं जान रहा हूँ कि मेरा जो ट्राइब का जो मेंबर है वो हमेशा मतलब उसके साथ बैड लक एक फेट हमेशा ग्रीन फेट उसके साथ हमेशा रहता है. सो ट्राइब फॉलोज ट्राइब. एक ट्राइब मरेगा दूसरा ट्राइब आएगा. ट्राइब फॉलोज ट्राइब नेशन फॉलोज नेशन लाइक द वेव्स ऑफ द सी. जैसे कि एक वेव्स ऑफ द सी के जैसा. सो इट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर. ये एक नेचर का क्या बोल सकते हैं एक नेचर का ऑर्डर है ये होता ही है. सो इट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर एंड रिग्रेट इज यूजलेस. तो इस बात पे रिग्रेट करना दुखी होना कि बेकार सी बातें हैं. अब चिप सिएटल बोलते हैं योर टाइम ऑफ डिके मे बी डिस्टेंट But it will surely come. For even the white man who's got walked and talked with him as friend to friend cannot be exempt from the common destiny. तो आज हम लोग का खराब दिन आ गया है. तो जैसा कि मैंने बोला nation follows nation, tribe follows tribe. एक tribe मरेगी दूसरी आएगी ऐसा होता है.
इट इज ऑर्डर ऑफ नेचर, ठीक है। तो वहीं पे बोल रहे हैं कि आज हम लोग का टाइम आ गया है, तो बट तुम्हारा भी टाइम आएगा, योर टाइम ऑफ डिके में भी डिस्टेंट, तुम्हारा जो खराब टाइम है तुम्हारा जब ट्राइब मरेगा वो भी टाइम आएगा, लेकिन अभी वो हाँ शायद वो दूर है बट आएगा जरूर वैसा टाइम, बट इट विल श्योरली कम फॉर इवन द वाइट मैन हुज गॉड वॉक्ड एंड टॉक्ड विद हिम। हाँ, फॉर इवन, जबकि जो वाइट मैन का जो भगवान है, जो प्रेसिडेंट है, वो उसके साथ बात करता है एज अ फ्रेंड एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉमन, बट वो कुछ नहीं कर सकता, ये एक नेचर है, एक इट इज अ ऑर्डर ऑफ नेचर, सो ट्राइब फॉलोज ट्राइब एंड नेशन फॉलोज नेशन। तो ये भगवान, ये जो प्रेसिडेंट है, ये भी रोक नहीं पाएगा, जब तुम्हारा खराब दिन आएगा तो आएगा ही, वैसा बोल रहा है, इट मे बी डिस्टेंट बट इट विल श्योरली कम। सो वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, वी विल सी, और शायद हम बाद में ब्रदर्स हो सकते हैं, तो हम देखा जाएगा। पारा 10, ओके, तो पैराग्राफ 10 में यहाँ पे बोला जा रहा है, वी विल पॉन्डर योर प्रपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। तुम्हारे जो ये जो प्रपोजल लाए हो ना, ये जो, तो ये इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, उसके बाद तुम्हें बताएंगे। अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या कंडीशंस रखे थे रेड इंडियन ट्राइब के पीपल ने? कंडीशन थी, वी मस्ट अलाउ अस टू विजिट द टॉम्ब्स ऑफ आवर एंसेस्टर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन एट एनी टाइम्स बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द सॉइल इज सेक्रेड। ओके, तो ये जो हमारा प्लेस है ना, ये हमारे लिए एक होली प्लेस है, ठीक है, इससे हम बहुत प्यार करते हैं, एक सेक्रेड प्लेस है। ओके, एवरी पार्ट ऑफ द सॉइल, ये जितने भी चीज है यहाँ सब कुछ सेक्रेड है। ओके, एवरी हिल साइड, एवरी वैली, एवरी प्लेन, एंड वी हैव सम बैड एंड हैप्पी इवेंट्स इन दिस ग्लोरियस प्लेस। इसलिए तो ये सारी चीजें की वजह से मेरे को ये जो लैंड है वो, उससे मुझे प्यार है, तो तुम लोग मेरे से छीन तो लोगे बट मेरे को कभी भी आने का इधर मन करेगा तो मैं आ सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर तुम मानोगे तो ठीक है। और क्या कंडीशंस थे? अब चीफ सीएटल बोल रहे हैं, इवन द रॉक्स विच सीम टू बी डन एंड डेड एज दे स्वेल्टर इन द सन, स्वेल्टर बोल सकते हैं, बिकम टू हॉट इन द सन अलोंग द साइलेंट शोर ट्रेल विद मेमोरीज ऑफ स्टीयरिंग। अब यहाँ पे देखो, स्टीयरिंग बोले तो एक्साइटिंग, ठीक है, एक्साइटिंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ माई पीपल। सो द वेरी डस्ट अपॉन विच यू नाउ स्टैंड रिस्पॉन्ड्स मोर लविंगली टू देयर फुटस्टेप्स देन योर्स बिकॉज इट इज रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे जहाँ पे तुम खड़े हो वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सा सवाल होगा कि हाँ ये मिट्टी है, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बट हमारे लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा सेक्रेड है, इवन द सॉइल्स आर सेक्रेड, ओके, फॉर अस। तो ये जो जमीन की जो मिट्टी है, ये हम, ये क्या बोल सकते हैं, ये हम इसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, उसमें हमारा ब्रेव सोल्जर्स का एक खून मिला हुआ है, उनके फुट स्टेप्स मेरे को इधर से, क्या बोल सकते हैं, वो जो, अरे मेरे ट्राइब को बचाने के लिए वो लड़े थे, तो उनका जो इट बिकॉज इट इज रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर, जो सॉइल है यहाँ के। अब पारा 11 में चीफ सेटल एक कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। सो इन पारा 11 वो बोल रहे हैं कि आवर डेड ब्रेव वॉरियर्स फॉन्ड मदर्स हैप्पी हर्टेड मेडेंस बोले तो जो लड़की जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, जैसे लड़का लोग होते हैं ना बैचलर, वैसे लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है अभी तक उसको मेडेंस बोलते हैं। ये आपको वो क्या बोलते हैं यार, वो बैंगल सेलर्स में भी देखा जाएगा, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद लिटिल चिल्ड्रंस हु लिव्ड एंड रिजॉइस हियर फॉर अ ब्रीफ सीजन विल लव दिस सोम्बर सॉलिट्यूड्स। अब जो यहाँ पे जो लोग रह चुके हैं, जो रेड इंडियन पीपल, रेड इंडियन ट्राइब के बारे में बातें हो रही हैं, जो चीफ सेटल बता रहे हैं, जो यहाँ पे वो लोग रह चुके हैं वो हमारे इस लैंड को, ये इस जगह को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। फिर उसके बाद देखो, सोम्बर सॉलिट्यूड्स, सोम्बर मतलब इट इज यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, फेशियल एक्सप्रेशन और मूड दैट आर डार्क, ग्लूमी और डिप्रेसिंग, उसको बोलते हैं सोम्बर सॉलिट्यूड्स, बोले तो लॉनलीनेस, ओके। सो एंड एट इवनिंग दे ग्रीट साउडली शैड वी रिटर्निंग स्पिरिट्स, ओके, and when the last red man shall have passed and the memory of my tribe shall have become a myth, jab mera last red man tribes ka jo red indian tribe ka jo aadmi bachega wo bhi mar jayega, uske baad na ye jo kya bolte hain red indian tribe ka namo nishan hai na, ek matlab ek shall have become a myth, okay, to ye kahin pe yaad kiya jayega ki ha ek tribe hua karta tha, matlab ki ha chalo ek tribe hua karta tha jiska naam red indians tha, to ek myth matlab aisa बन के रह जाएगा, ओके। सो
एंड द मेमोरी ऑफ माय ट्राइब शैल बिकम अ मिथ. आप चीफ सेटल बोल रहे हैं, व्हेन योर चिल्ड्रन थिंक देमसेल्फ अलोन इन द फील्ड, द स्टोर, द हाउस, द शॉप, अपॉन द हाईवे और इन द साइलेंस ऑफ द पाथलेस वुड्स, दे विल नॉट बी अलोन. अगर तुम्हारे जो इसको कहां पे देखो, ये बताया जा रहा है चीफ सेटल बोल रहे हैं व्हाइट सेटलर्स के बारे में, ठीक है, कि अगर तुम लोग का बच्चा लोग, अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग कहीं जा रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ हम लोग तो भाई अब हम ही लोग हैं यहाँ पे, मतलब एक तरह से डोमिनेंट फिगर, तो हम लोग जो मन चाहे वो कर सकते हैं. अगर आप लोग अकेला मतलब कहीं पे जा रहे हैं, अलोन इन द फील्ड, द स्टोर, द शॉप, अपॉन द हाईवे, बट दे विल नॉट बी अलोन, तुम लोग अलोन नहीं होगे. हम लोग का ट्राइब तो मर जाएगा, हम लोग का ट्राइब एक मिथ बन के ऐसा रह जाएगा वाइट सेटलर्स के बोल सकता है व्हाइट सेटलर्स के नाम पे, ठीक है, कि हाँ एक ट्राइब थी रेड इंडियंस जो कि अब नहीं रही, ठीक है. तो तुम लोग ऐसा अपना राज नहीं कर सकते, कुछ नेचर को हार्म नहीं कर सकते, हमारा जो स्पिरिट है वो हमेशा तुम लोग के साथ रहेगा. यू कैन नॉट हार्म आवर लैंड इवन इफ वी डाई. तो जैसा कि चीफ सेटल बता रहे थे कि वो नेचर से बहुत प्यार करते थे और उसके एंसेस्टर्स जो थे वो भी उस नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो ये लोग भी बहुत प्यार करते हैं. ये लोग मरने के बाद व्हाइट पीपल्स जो सोच रहे हैं कि अगर हम लोग, वो लोग मर जाएगा तो हम लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और जो मन चाहे वो करेंगे, तो वो नहीं होगा. दे विल नॉट बी अलोन, हम लोग उसके साथ रहेंगे. यू कैन नॉट हार्म आवर लैंड इवन इफ वी डाई, आवर स्पिरिट्स आर ऑलवेज विथ यू. एक तरह से और ये कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धमकी दे रहे हैं. धमकी क्या बोलेंगे, मतलब बता रहे हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग का स्पिरिट्स तुम्हारे साथ है, तुम लोग कुछ भी गलत करना चाहोगे तो हम लोग का स्पिरिट्स आके मतलब बदला लेगा, तो तुम लोग अकेले नहीं हो. और ये चीफ सेटल स्पीच का लास्ट पारा, पारा 12, इसमें चीफ सेटल एक वार्निंग दे रहे हैं किसको, व्हाइट सेटलर्स को. वो बोल रहे हैं, हियर चीफ सेटल गिव्स अ वार्निंग टू द व्हाइट पीपल्स, बी फेयर एंड काइंडली विथ माई पीपल. हम लोग के मर जाने के बाद जो बचेंगे रेड ट्राइब्स के जो पीपल बचेंगे, उससे तुम कोई भी खराब व्यवहार नहीं करोगे, बिकॉज देट आर नॉट पावरलेस. हम लोग जब कोई भी हमारा आंसर जो मर जाएगा और जो बचेंगे, जो हम लोग का मर जाएगा आदमी सब, तो ये मत सोचना कि अरे वो तो मर गया, अब तो हम लोग का जो मन करे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. डेड आर नॉट पावरलेस, ओके. डिड आई से दैट, वो बोलते हैं डिड आई से ओ देर इज नो डेथ, ओनली अ चेंज ऑफ वर्ल्ड्स. ये बात चीफ सेटल बोल के वर्जन फर्स्ट यहीं पे खत्म करते हैं. वर्जन टू हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सो लास्टली ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे लगते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं. अब 6 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं. अब ऐसा नहीं कि इसी से आएगा, आप एक बार ये अगर वीडियो आप देख रहे हो तो एक बार वीडियो देखने के बाद एक चैप्टर जरूर रीड कर लेना. उससे क्या होगा ना, एक रीडिंग मारोगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हारा अगर कुछ छूटा होगा तो, ठीक है. ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो. और इस चैप्टर से अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई भी चीज़ चाहिए होगा चैप्टर से रिलेटेड, कुछ नोट्स एंड ऑल, तो मैं वो आपको दे दूंगी. वैसे अगर ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. हाँ थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, मुझे भी पढ़ाने में बहुत हालत ख़राब हो गई. तो चलो, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था, और नेक्स्ट चैप्टर आप किस चीज पे, किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.